आप सभी को हमारे YouTube चैनल सिकंदर ज्योग्राफी में स्वागत है। आज हम फिर एक छोटा सा ट्रिक्स लेकर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो कि इसके पहले भी कुछ ट्रिक्स का वीडियो हम YouTube चैनल पर डाल चुका हूं। और अगर हमारी चैनल अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करना ना भूलें दोस्तों। जो कि एक छोटा सा जो ट्रिक्स मैं लेकर आया हूँ वो छौझा का ट्रिक्स है। बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूज कर जाते हैं दोस्तों, इस ट्रिक्स को हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे। वो जो आपका ट्रिक्स होता है दोस्तों वो होता है छौझा। अगर छौझा के बारे में अगर जिक्र किया जाए दोस्तों, छौझा अगर इसके बारे में जिक्र किया जाए दोस्तों, जिसमें हम लोग नवंबर लिख सकते हैं और यहाँ पे एक लिख सकते हैं, यहाँ पे नौ लिख सकते हैं, यहाँ पे पंद्रह लिख सकते हैं और यहाँ पे हम लोग 2000 लिख सकते हैं। एक बात और बताना चाहेंगे दोस्तों कि यहाँ पे अगर जिक्र किया जाए तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ जो था उसे मध्य प्रदेश से अलग हुआ था दोस्तों। यहाँ पे लिख सकते हैं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों कि 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ जो था से मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। और यहाँ पे 9 नवंबर 2000 ईस्वी के बारे में अगर जिक्र किया जाए दोस्तों तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि उत्तराखंड जो था, उत्तराखंड के बारे में अगर जिक्र किया जाए तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था दोस्तों। ये जो हुआ था अलग वो आपका 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। एक बात और बताना चाहेंगे दोस्तों, और झारखंड के बारे में अगर जिक्र किया जाए दोस्तों तो झारखंड वो बिहार से अलग हुआ था। झारखंड के बारे में अगर जिक्र किया जाए दोस्तों तो झारखंड जो था उसे बिहार से अलग हुआ था। एक बात और बताना चाहेंगे दोस्तों, इसको एक प्रकार से और याद कर सकते हैं कि 1 नौ पे 15 सवारी भी हम लोग याद कर सकते हैं दोस्तों। और ये आपका हमेशा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कब अलग हुआ था दोस्तों, तो वो बोल सकते हैं 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। कहने का मतलब यहाँ पे नवंबर लिखा हुआ है दोस्तों और यहाँ पे आपका 1 नवंबर लिखा हुआ, यहाँ पे नवंबर हो गया, तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था दोस्तों। और 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था दोस्तों। और झारखंड जो था दोस्तों वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग हुआ था दोस्तों। अब दूसरा ट्रिक्स की ओर हम लोग जिक्र करना चाहते हो कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, कंफ्यूज करने की बात नहीं है दोस्तों, इसका शॉर्ट ट्रिक्स हम लेकर आए हैं। वो ट्रिक्स होता है बबीता बेस है, इसको देखेंगे हम लोग बोल के। अगर लिख सकते हैं दोस्तों सदिश राशि, अगर सदिश राशि के बारे में अगर जिक्र किया जाए दोस्तों तो इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक्स होता है दोस्तों, लाजवाब ट्रिक्स है, कभी भी आप कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं। इसका ट्रिक्स जो होता है दोस्तों वो होता है बबीता बेस। अगर सदिश राशि के बारे में अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है, अगर सदिश के बारे में जिक्र किया जाए दोस्तों तो सिंपल सा कर सकते हैं। अगर सदिश का ट्रिक्स अगर आपको याद है तो अदिश खुद ब खुद छट जाएगा। अदिश राशि का भी एक ट्रिक्स होता है दोस्तों, लेकिन इसको इस वीडियो में उजागर नहीं करना चाहेंगे, इसमें सिर्फ सदिश राशि के बारे में देखना चाहेंगे दोस्तों। और इसका जो शॉर्ट ट्रिक्स होता है वो बबीता बेस है। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बा के बारे में अगर जिक्र किया जाए दोस्तों तो बा से आपका बल हो जाएगा, और बी के बारे में अगर जिक्र किया जाए दोस्तों तो बी से आपका विस्थापन हो जाएगा दोस्तों। बी के बारे में जिक्र किया जाए तो विस्थापन हो जाएगा, और ता के बारे में अगर जिक्र किया जाए दोस्तों तो ता से आपका त्वरण हो जाता है, और वेग के बारे में अगर जिक्र किया जाए दोस्तों तो वे से आपका वेग हो जाएगा, और सह के बारे में अगर जिक्र किया जाए दोस्तों तो आपका संवेग हो जाता है। एक बात और बताना चाहेंगे दोस्तों, इस सदिश राशि है, सदिश राशि के बारे में जब बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं तो हम ऐसा एक शॉर्ट वीडियो लेकर आए हैं ट्रिक्स का, जिसमें कभी कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं। उसका शॉर्ट ट्रिक्स होता है दोस्तों बबीता बेस है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, इसको शॉर्ट में याद कर सकते हैं कि बबीता बेस है, या बबीता बेस भी लिख सकते हैं, बबीता बेस है। कहने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पे बबीता बेस के बारे में अगर जिक्र किया जाए तो ब से आपका बल हो जाएगा, बी से आपका विस्थापन हो जाएगा, और ता के बारे में जिक्र किया जाए तो त्वरण हो जाएगा, और वेग के बारे में जिक्र किया जाए तो वेग हो जाएगा, और स के बारे में अगर जिक्र किया जाए तो संवेग हो जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन में कभी कंफ्यूज नहीं होगा दोस्तों, हमारे ट्रिक्स को आप याद रखिए।